क्योंकि मैं किसी के बाप का नहीं अपनी माँ के हाथ का खाता हूँ। सो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की ग्लिच इफेक्ट वाला स्टार्टर्स वीडियो बनाने के लिए जो कि अभी बहुत ट्रेंड में है, तो आप किस तरह बना सकते हैं, वीडियो में आपको पूरा ट्यूटोरियल बताऊं। तो काइंडली वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है इंस्टॉट। अगर आप चाहते हैं बिना वाटर मार्क वाला इंस्टॉट एप्लीकेशन, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उधर आप ज्वाइन हो जाए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि टेलीग्राम चैनल का हमारा है, उधर आप ज्वाइन हो जाए। उसके बाद आपको इंस्टॉट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है, उसके बाद आपको वीडियो में जाना है, उसके बाद आपको न्यू में क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसी तरह इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको फोटो में जाना है। जो फोटोस में आप स्टार्टस वीडियो बनाना चाहते हैं तो फोटो को आपको इधर से ऐड कर लेना है। तो फिलहाल मैं फोटो को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, इस तरह आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा क्रॉप, उसके ऊपर जाना है। उसके बाद आपको इधर से बहुत सारा रेशियो शो करेगा, तो जो रेशियो में आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आएंगे तो इधर एक ऑप्शन है जो कि आपको मैं दिखाता हूँ, फिल्टर। फिल्टर में जाएंगे, जाने के बाद अगर इधर बहुत सारा आपको फिल्टर मिलेगा जो कि आप जो फिल्टर चाहे इधर से ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी उसको ओरिजिनल रखता हूँ, नहीं तो आप बहुत सारे इफेक्ट है जो ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी इसको सिनेमैटिक रखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको इधर से ग्लिच इफेक्ट देना है, तो साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो इधर एक इफेक्ट आपको मिलेगा, देख सकते हैं, जो कि ग्लिच, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है इसी तरह। तो देख सकते हैं, मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ, जो कि ग्लिच वाला इफेक्ट हमारा आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अपना लेयर है उसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको स्पीड में जाना है, जितना सेकंड तक आपको स्टार्टस बनाना चाहते हैं उतना सेकंड तक आपको उसको ले आना है। तो फिलहाल मैं उसको 7 रखता हूँ। अब लास्ट ये 10 सेकंड तक आएगा। अगर आप 30 सेकंड के लिए बनाना चाहते हैं तो इसको 10 सेकंड तक कर लीजिए। उसके बाद ये जो लेयर को डुप्लीकेट यानी कि कॉपी दो बार करेंगे तो 30 सेकंड हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा जो स्टार्टस है 12 सेकंड तक है। मैं इसको क्या करता हूँ, पहले जो ड्यूरेशन है मैं इसको 6 रख देता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लेयर है उसके ऊपर क्लिक करके कॉपी कर लेना है, जो कि ये मेरा 6612 हो गया। तो आपका जितना सेकंड तक गाना है उतना सेकंड तक आपको पहले का जो लेयर है उसको आपको 10 सेकंड तक मैक्सिमम आएगा। उसके बाद 30 सेकंड के लिए तो उसको दो बार आपको कॉपी कर लेना है। तो इस तरह आपको इफेक्ट जो कि आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको ये जो म्यूजिक ऑप्शन है उसके ऊपर जाना है। उसके बाद आपको ट्रैक में जाना है, उसके बाद माई म्यूजिक, उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन फ्रॉम जो लिखा है उसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको गैलरी इसी तरह ओपन हो जाएगा। आपको ऑडियो फाइल में जाने के बाद जिधर भी आपका सॉन्ग है उसको आपको इधर से ऐड कर लेना है, जो कि हमारा जो MP3 सॉन्ग है आपको इधर से आ जाएगा। सो फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टैप करना है। जो भी आप लिखना चाहते हैं इधर से आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी एटीट्यूड लिखता हूँ। आप जो भी लिखना चाहते हैं इधर से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको फॉन्ट में जाना है। जाने के बाद आपको ये वाला फॉन्ट जो कि है सिलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं पुशअप, ये वाला आपको फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर में जाके बहुत सारा आपको कलर इधर से आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं उसको येलो रखता हूँ, नहीं तो आप चाहेंगे तो इधर से वाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं इसको येलो कलर रख लेता हूँ। आपके हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एनिमेशन है उसके ऊपर आपको जाना है। उसके बाद आपको लास्ट में आ जाना है, ये वाला जो एनिमेशन है उसके ऊपर आपको टैप करना है, जो कि ब्लिंक वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको आपको राइट क्लिक कर लेना है। करने के बाद आपको जितना सेकंड तक स्टार्टस है उतना सेकंड तक आपको उसको खींच के ले आना है। तो फिलहाल मैं इसको खींच के ले आता हूँ। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद देख सकते हैं पहले हमारा जो शो नहीं करा, इसलिए आपको ये जो लेयर को थोड़ा आपको इसी तरह खींच लेना है। तो लॉन्ग प्रेस करके उसको खींच लेना है इसी तरह, जो कि आपका जो नेम है वो आपको शो करेगा इस तरह। उसके बाद आपको क्या करना है, उस जो टेक्स्ट है उसको ऊपर आपको टैप करना है। उसके बाद आपको खींच के जिधर भी आप रखना चाहते हैं इधर रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं उसको इधर से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाना है। आने के बाद ये जो ऑप्शन है स्टिकर में जाना है। जाने के बाद आपका ये जो एक ऑप्शन है देख सकते हैं स्टोर का, स्टोर में जाना है। जाने के बाद आपको इधर एक इफेक्ट को डाउनलोड करना है जिसका नाम है नियोन इफेक्ट। तो ऑलरेडी मैं इसको डाउनलोड कर लिया हूँ, आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करेगा, इधर आपको जो कि इफेक्ट इधर शो कर लेगा। तो देख सकते हैं जो मेरा नियोन इफेक्ट है इधर मेरा शो कर रहा है। तो बहुत सारा नियोन इफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल मैं इसको ये वाला जो नियोन इफेक्ट है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ इस तरह। उसके बाद उसको थोड़ा सा मैं इस तरह बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमारा एटीट्यूड लिखा है उसके साइज़ के ये जो इफेक्ट मैं इसको बना लेता हूँ, जो कि इस तरह आपको जो कि एडजस्ट कर लेना है अच्छी तरह, जो कि थोड़ा सा आपको जो नियन वाला है थोड़ा आपको थोड़ा सा लाइट जो आपको लिखे है उसके ऊपर थोड़ा सा आना चाहिए इस तरह, जो कि आपका जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है।
उसके बाद ये जो नियन इफेक्ट है उसको भी आपको खींच के जितना सेकंड तक आपका स्टार्टस है उतना सेकंड तक आपको उसको भी खींच के ले आना है। उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाना है, तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा जो कि स्टार्टस लग रहा है, हमारा जो लेटर है वो ब्लिंक हो रहा है, उसके बाद नियन इफेक्ट में आ रहा है, देख सकते हैं। तो बहुत आसानी से हमारा जो कि इफेक्ट आ गया है। उसके बाद आप जो सॉन्ग ऐड करेंगे वो थोड़ा एटीट्यूड वाला होगा तो एक ग्लिच इफेक्ट से मैच करेगा। तो इस तरह सॉन्ग आपको चूज करना है जो कि आपका इफेक्ट ग्लिच इफेक्ट के साथ आपको मैच करना पड़ेगा, जो कि मैच करेगा। उसके बाद आपको देख सकते हैं जो कि पूरा वीडियो हमारा रेडी हो गया। तो आपको सेव करने के लिए क्या करना है, वीडियो को सेव करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो सेव ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टैप करना है, उसके बाद आपको जो सेव ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद इधर बहुत सारा क्वालिटी शो करेगा, आप चाहेंगे तो इधर से 1080p नहीं तो 720 नहीं तो 640 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपको 1080p को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद सो फ्रेंड सिलेक्ट करने के बाद आपका जो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, होने के बाद आपका गैलरी में वीडियो सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, इसी तरह की एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।